ये ना इसकी इस गरारी का मसला है, ये ना शोर करती है, ख़राब हो रही है, तो हम इसको चेंज करेंगे। ये वाली ये नई वाली है, ये इसकी जगह लगाएंगे हम। ये देखें, ये इसके ना घसे में ख़त्म हो रहे हैं। ये टक टक की आवाज़ करती है जब भी मैं बाइक चलाता हूँ ना, तो इसको अभी हम चेंज करेंगे। मैं अभी ना चैन को देख रहा हूँ, चैन की कोई गुट्टी वगैरह तो नहीं इधर से टूटी हुई, तो चैन तो मैंने पहले चेक की है, ठीक है। ये देखें, ये गरारी हमने लगा दी है, ये पुराने वाली हमने निकाल दी है, ये पुराने वाली थी, ये देखें काफ़ी ख़राब हो चुकी है इसके धंधे। तो ये थोड़ी सी बड़े वाली थी, मुझे मुकम्मल खोलना पड़ा है सिस्टम, इसलिए ये काफ़ी टाइम लगा। तो अब इसका काम हो चुका है, इसको बंद करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हो दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू, हमारा इंटरव्यू रहता था, मैंने बाइक से ही वीडियो शुरू की है। तो अभी अपनी ज़मीनों में आए हैं चारा उठाने के लिए, जो सुबह का काम है हमारा, तो चारा भी ले कर चलते हैं। बस ये थोड़ी सी फसल देख लें जो अभी बिजाई की है हमने पिछले दिनों। ये देखें, इसमें हमने भैंसों के लिए चारा भी बिजाई किया ये इस ज़मीन में। तो अगला जो है उसमें हमने मूंगी बिजाई की है, तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त फोट निकल चुकी है इसकी, और आगे भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त निकली है। मैंने पहले भी एक बार देखी है, आज आप दोस्तों को भी दिखाते हैं। ये देखें, ये मूंगी के पौधे छोटे छोटे से अभी। तो अभी आज का व्लॉग शुरू कर लिया है, मैं काफ़ी दिन से, पहले भी दो बार व्लॉग शुरू किया मैंने, तो थोड़ा सा बनाता था, फिर वो आगे मूड ही नहीं करता था कुछ करने का। तो आज भी मैंने शुरू किया है, देखते हैं आगे दिन में जो काम होगा, जो हम करेंगे वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते जाएंगे। लेकिन अभी कुछ जेन में नहीं है कि आगे हमारे साथ कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, तो जैसे जैसे दिन गुजरेगा आप दोस्तों के साथ शेयर करते जाएँगे। ये जी हमारे रात के बादाम भगोए हुए हैं, तकरीबन आधा किलो हैं, तो इसका आज हम बनाएंगे शरबत, जो हम हर गर्मियों में बनाते हैं। ये देखें, रात के भिगोए हैं माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त भीग चुके हैं। तो अभी इसका मुकम्मल जो अगला काम है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते जाएंगे। ये बादाम हमने इतने छील लिए हैं, अभी काफ़ी बड़े हैं, दो दफ़ा लगता है करना पड़ेगा कि एक बार आधे, एक बार और आधे दूसरी बार। ये अभी छील रहे हैं, देखते हैं जितने जग में आते हैं उसके बाद फिर दोबारा जो रहेगा वो बाद में कर लेंगे। ये हमने बादामों का जो पानी सा था वो निकाल लिया है, ये उसका जो बादाम रगड़ने के बाद जो बचा है ये भी हम दोबारा रगड़ के इसी में डालेंगे, क्यों इसको ज़ाया नहीं करेंगे, क्यों इसका जो फ्लेवर है वो बाद में अच्छा होता है। तो तकरीबन मुझे एक से डेढ़ घंटा हो गया किचन में ही हूँ, यही काम कर रहे हैं। तो
आवाज़ की शायद आपको समझ ना आ रही हो क्योंकि जनरेटर चल रहा है, लाइट गई हुई है काफ़ी टाइम से गई हुई है, तो उसका भी इंतज़ार है, देखते हैं कब तक आती है। तो किचन में गर्मी भी काफ़ी है, तो देखते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन शाम हो ही जाएगी पकने पे भी, फिर शरबत तैयार करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो आज इसी पे टाइम हमारा लगेगा। ये देखें हमारा भी शरबत पक रहा है, तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको, तो टाइम हो रहा है 3 का, तो लगता है अभी गैस भी जाएगी, तो फिर जब गैस आएगी दोबारा इसको पकाएंगे, अगर गैस चली गई तो। अभी ये थोड़ा थोड़ा सा पक रहा है, एक साइड पे हमारा सिरप पक रहा है, और दूसरा हम ये एक नुस्खा लेके आए थे कल, ये भी तैयार करना है, किसी को देना मैंने, तो ये भी बनाते हैं अभी। सिर्फ इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे इस पर बनाने में। ये देखें ये नुस्खा है मुकम्मल, ये चीज़ें हैं इसमें, ये देखिए, ये अभी इसको रगड़ाई करेंगे, तो इसका पाउडर सा बनाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम ही लगेगा इस पर। ये जी हमारा शरबत तैयार हो चुका था, रात काफ़ी ज़बरदस्त तैयार हुआ है, ये देखें, तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैंने इसको देखने के लिए खोला था, तो मैंने सोचा आप दोस्तों को भी दिखाऊं, तो अभी इसको बोतलों में डाल लेंगे महफूज करने के लिए। तो रात मैं तैयार करने के बाद सो चुका था, क्यों काफ़ी थकावट थी और काफ़ी थके हुए थे, और वीडियो को बस हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, और अपने भाई को भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।